आज मैंने कवर किया है स्कर्ट्स, ब्लाउज, दुपट्टा, सब कुछ नवरात्रि में काम आएगा आपको। एंड ये बेस्ट आर्टिकल्स चुन चुन के लाई हूँ मैं गाइस, बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ आप लोगों के लिए, बेस्ट चीजें लाती हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो और आप जल्दी जल्दी शॉपिंग कर पाओ, आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। मेरा नाम है चांदनी ठक्कर और आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। गाइस आपको लग रहा होगा कि इसने वेस्टर्न लुक पे बिंदी क्यों लगाई है, तो ऐसा कोई रूल बुक तो है नहीं, मुझे अपना लुक को थोड़ा ट्रेडिशनल देना था और गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने सोचा थोड़ा आउटफिट कैजुअल रखते हैं और उसके ऊपर मैंने ये बिंदी लगा ली। चलो मेरा तो चलता रहेगा, अभी काम की बात करते हैं। आज भी मैं आपके लिए नवरात्रि रिकमेंडेशंस लाई हूँ गाइस, क्योंकि आपको मेरा लास्ट वीडियो बहुत पसंद आया, उसके बाद भी मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की थी जो उस वीडियो में कवर नहीं हो पाई, तो चलिए आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस आपको दो चीजें इम्पोर्टेंट बताऊंगी, जो भी पसंद आ रहा हो गाइस इमीडिएटली ऑर्डर कर लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो में से भी बहुत सारी चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो गई एंड आप लोगों के भर भर के पिंग्स आ रहे हैं मुझे कि दीदी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, क्योंकि गाइस सब लोग बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर कर रहे हैं तो आप भी लेट मत कीजिए। एंड सेकेंड पॉइंट ये है गाइस, पॉइंट नहीं रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक और कमेंट छोड़ के जरूर जाना, क्योंकि मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल से। गाइस ये आर्टिकल मुझे लास्ट वीडियो में ही कवर करना था, अगर आपने देखा होगा तो इस वीडियो में मुझे रॉन्ग डिलीवर हुआ था, क्योंकि सेम ब्रांड के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए थे एंड अब एक्चुअल वाला आया है। ये इतना प्यारा है गाइज, ये इस हॉल का मेरा फेवरेट आउटफिट है एंड कमाल का आया है, जस्ट बी पेशेंट, अभी दिखा रही हूँ। इसका कुर्ता देखिए गाइज कितना प्यारा आया है, आप इसका पास से मैं आपको काम दिखा देती हूँ, रियल मिरर है गाइज, मोती है, सीक्वेंस है, सब कुछ है गाइज, इतना प्यारा, इतना शिद्दत से वर्क किया हुआ है ना। एंड देन गाइज इसका ये है, यहाँ पे आपको स्लीव्स में एक बॉर्डर मिल जाएगा, थ्रेडेड बॉर्डर है, ठीक है। एंड जैसा एक धोती के ऊपर का है ये टॉप, तो जितनी लेंथ होनी चाहिए थी उतनी ही लेंथ है, बहुत प्यारा है, फिटिंग में भी मुझे परफेक्ट आया है, ओके। एंड गाइज द बेस्ट पार्ट इज वी हैव पॉकेट, पॉकेट पे भी इतना प्यारा डिटेल्ड काम किया हुआ है गाइज, ये अभी अवेलेबल है, मैं आपको बोल रही हूँ कि जल्दी से ले लो, ये सिर्फ नवरात्रि नहीं, आप आगे संगीत में और मैरिज के बहुत सारे फंक्शंस में हमें ऐसे छोटे छोटे आउटफिट चाहिए रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादा हैवी नहीं वेयर कर पाते, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होने वाला है गाइज। इसमें कलर्स भी अवेलेबल है अगर आप ब्लैक कलर में नहीं जाना चाहते, बट मेरा तो फेवरेट ब्लैक है, मैं नहीं रोक पाई खुद को ब्लैक लेने से। ओ माय गॉड गाइज इसका कुर्ता कितना अच्छा है, मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगी है इसमें, कुछ भी नहीं, चुपचाप से ये ऑर्डर कर लो। इसकी धोती दिखाती हूँ, एंड ये है इसकी धोती गाइस, इतनी प्यारी है धोती, यहाँ पे देखिए आपको एक पूरा थ्रेड का ऐसा पाइपिंग दिया हुआ है एंड नीचे ना गाइस यहाँ पे कट दिया हुआ है, तो इसकी वजह से इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है गाइस। इसका जो अभी प्राइस है ना, ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल है एंड इट्स वर्थ एवरी पेनी, मार्क माय वर्ड्स, बहुत अच्छा लगने वाला है, आप इसको बस एक बार ऑर्डर करके ट्राई तो करके देखो, नहीं पसंद आया तो आप रिटर्न कर ही सकते हो। तो मेरे साइड से तो मैं इसको क्या रेट करूं गाइस, मतलब ये मेरे रेटिंग के भी अबव है ये आउटफिट, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जेन्युइनली इट्स अ वर्थ पैर। सो ये है मेरा तरफ से आज का पहला रिकमेंडेशन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो इसके बाद गाइस पहले मैंने दो स्कर्ट ऑर्डर किए थे तो वो जल्दी से कवर कर लेते हैं, उसके बाद ब्लाउज कवर करेंगे एंड फिर दुपट्टा, सो बहुत ही मजा आने वाला है, चलिए पहले स्कर्ट दिखा देती हूँ। सो ये स्कर्ट ऑर्डर किया था मैंने गाइस, कलर बहुत अच्छा आया है, इसपे आप व्हाइट टैंक टॉप, ब्लैक टैंक टॉप वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा नवरात्रि लुक देगा आपको। एंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप बाद में भी वेयर कर सकते हो, स्पेसिफिक टू नवरात्रि नहीं है, ठीक है। मटेरियल बहुत अच्छा है गाइस, कॉटन का मटेरियल है, ब्रीदेबल मटेरियल है, आप इसका घेर देखिए, घेर भी बहुत अच्छा है एंड पास से एक बार प्रिंट देखिए, प्रिंट भी बहुत अच्छी है एंड वेयर करने के बाद बहुत अच्छा कंफर्टेबल है गाइस, एंड थिक मटेरियल है तो अस्तर वगैरह की भी कोई नीड नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा मुझे ये भी वेयर करने के बाद। एंड अगेन क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत अच्छी है, सुपर कंफर्टेबल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसे कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, आप इसे टी शर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, बस थोड़ी सी ज्वेलरी कैरी कर लेना, सो उसकी वजह से आपका ये लुक नवरात्रि में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वाओ, यहाँ पे वीडियो पे भी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लगा था वेयर करने के बाद, मटेरियल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है,
तो ये भी मेरे साइड से आपको हाईली रिकमेंडेड है, इसे मैं रेट करती हूँ 10 out of 10, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कट है ये गाइस, सिमिलर है, मटेरियल वगैरह सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ प्रिंट थोड़ा सा अलग है एंड कलर अलग है। इसकी प्रिंट ज्यादा अच्छी है उसके कंपैरिजन में, थोड़ा ट्रेडिशनल प्रिंट है इसका, आप देख सकते हो इसमें हाथी है, फूल है, सब कुछ दिया हुआ है, तो ये भी थोड़ा नवरात्रि लुक देगा आपको। सो इसके ऊपर भी गाइस आप रेड कलर का, ब्लैक कलर का टैंक टॉप टी शर्ट वेयर कर सकते हो विद ज्वेलरी, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सेम ही घेरे जैसे हमने पुराना वाला देखा, अगेन आई गेस सेम ही सेलर से है, तो मटेरियल क्वालिटी लेंथ सब कुछ ही बहुत अच्छा है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, वेयर करने के बाद देख सकते हो कितना प्यारा लगा था, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, इसे भी मैं रेट करती हूँ 10 out of 10। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लाउज जो कि बहुत अच्छे आए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ये वाला गाइस, ये एकदम प्रॉपर नवरात्रि का पैच है, तो ये आपको डेफिनेटली नवरात्रि लुक देने वाला है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, आपको मल्टीपल साइज में अवेलेबल था एंड इट्स डिलीवर ब्यूटीफुल गाइस, इतना ब्यूटीफुल है आप देखिए, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे स्लीव्स में आपको एक प्रॉपरली ऐसा पैच दिया हुआ है, तो आप जब स्लीव्स वेयर करोगे तो प्रॉपरली यहाँ दिखेगा लुक, बहुत अच्छा लगेगा। मिरर है, मिरर स्टिक मिरर किया हुआ है, बहुत ही प्यारा है, दोनों साइड आपको ये दिया हुआ है एंड देन जो ये नीचे पैच दिया हुआ है ना, जिसकी लेंथ बढ़ा रहा है, वो भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए आप गाइस, पैच बहुत सुंदर है, कौड़ी लगाई हुई है एंड लुक्स अमेजिंग। कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, मुझे लेकिन ये ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। पीछे भी आप देखिए गाइस, नॉट है, ओके नॉट है एंड यहाँ पे आपको बटन दिए हुए हैं वेयर करने के लिए एंड गाइस पैडेड है, पैड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस, लेकिन बहुत लोग ऐसे रेडीमेड पैड्स कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप उसे रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आज के सारे ब्लाउज की अगर आपको पसंद है तो पैड्स रिमूव कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। तो देखिए गाइस ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप इसे वेयर किया हुआ देखिए, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, इसका लुक ही मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसमें कोई भी दुपट्टा ले लोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, कलर आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी मेरे साइड से आपको हाईली रिकमेंडेड है, इसे मैं रेट करूंगी 10 out of 10। नेक्स्ट है ये गाइस, आप फोटो में देखिए, मुझे इस टाइप की भी ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं, इसे हम अजरक कॉटन कहते हैं। ये प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, काफी रिच लुक देते हैं आपको एंड ये ब्लाउज ऐसे है ना गाइस, आप अभी तो नवरात्रि में वेयर कर सकते हो लेकिन इसको आप बाद में साड़ी पे भी वेयर कर सकते हो। तो अगर आप अल्टरनेट के पैर हो ना गाइस, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, आप देखिए इसकी प्रिंट कितनी ज्यादा अच्छी है, ये जो फूल है ना, ये बने हुए ये जो डिजाइन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर अल्टरनेट जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, नीचे से आपको जहां पे ये पीछे का पैच है वो भी बहुत प्यारा है। तो अल्टरनेट का कंसेप्ट ऐसा होता है कि आपको इसे यहाँ पे प्रॉपरली स्टाइल करके आपको नॉट बांधना है और पीछे गाइस फिर आपको ऐसे स्टाइल करके यहाँ पे इसके बटन ओपन करके यहाँ पे भी आपको पीछे दो नॉट्स दिए हुए है, एक प्रॉपरली आपको ऐसा सेंटर में दिया हुआ है, बटन दिए हुए है एंड देन ये नेक के पास मिल जाएगा। सो थोड़ा बहुत ये बैकलेस टाइप का लुक देता है, पूरा नहीं। तो जो लोग इस टाइप के ब्लाउज को कंफर्टेबल फील करते हैं, ये मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये कॉटन का मटेरियल है गाइस, ये पहनने के बाद सुपर कंफर्टेबल लगता है। इसकी पैडिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देखो ऐसे बहुत बड़े बड़े पैड्स नहीं लगाए हैं, डिसेंट लगाया है एकदम एंड इसकी स्टिचिंग एंड ऑल बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। ये मुझे इतना अच्छा लगा था ना वेयर करने के बाद, मतलब इसका लुक ही अलग है। ये जो अजरक कॉटन के होते हैं ना ब्लाउज गाइस, ये बहुत प्यारे लगते हैं वेयर करने के बाद, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो में। तो इसे भी मैं रेट करूंगी 100 out of 10 क्योंकि ये मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा है। कुछ लोग थोड़ा ऐसा लाइट वेयर करना चाहते हैं, ऐसा मिरर एंड ऑल वेयर नहीं करना चाहते, उनके लिए तो ये परफेक्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट है ये गाइस, ओके ये भी काफी अच्छा नवरात्रि का ही लुक देगा आपको। ये देखिए गाइस, कलर्स कितने प्रॉपर और कितने प्यारे हाइलाइटेड यूज किए हैं। ठीक है, आप इसमें ये सारे प्रिंट्स देखिए, ये सब आपको ट्रेडिशनल लुक देगा। इसमें हाथी बना हुआ है, फूल बना हुआ है, कलर्स बहुत पॉप कलर्स है, बहुत प्यारा है। आप इसके नीचे अगर ब्लू लहंगा पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा, व्हाइट पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा, स्कर्ट बहुत प्यारा लग रहा है। ये जो मैंने आपका फॉल्स ब्लू स्कर्ट दिखाया ना गाइस, वो भी आप इसके नीचे वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, देन ये स्ट्रिप है, आपको इसमें स्लीव्स नहीं आएगी क्योंकि ये स्ट्रिप के फॉर्म में है पूरा। ठीक है, एंड बैक तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे बैक नॉट्स वाले एंड देन आपको यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से इसकी फिटिंग करवा सकते हो। इसका भी पैड आपको रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज आप रिमूव कर सकते हो।
ये भी बहुत प्यारा लगता है गाइस, वेयर करने के बाद आपको प्रॉपर नवरात्रि लुक देगा। इस पे ज्वेलरी कैरी करोगे ना गाइस, ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये भी मेरे साइड से हाईली रिकमेंडेड है, इसे भी मैं रेट करती हूँ 10 out of 10। आप वीडियो में देख सकते हो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट ब्लाउज है ये गाइस, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें मिरर का वर्क था, ओके, स्टिकर मिरर का, बट ये भी वेयर करने के बाद बहुत प्यारा लगेगा गाइस। मैंने ये टॉप कलर ही ऑर्डर किया है, अगेन पिंक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ हाईलाइट होना है ना आपको तो ये बेस्ट कलर है, ठीक है। इसका भी बैक बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे नॉट्स दिए हुए हैं, देन आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है, तो आप प्रॉपरली फिटिंग करा सकते हो। इसका भी पैड आप चाहो तो रख सकते हो, अच्छा है, कंफर्टेबल है, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन यस पीस बहुत अच्छा है। आप जैसे चाहो इसे अपने हिसाब से फिटिंग करवा सकते हो, पैडिंग भी रिमूव कर सकते हो। वेयर करने के बाद देखिए गाइस आप इसका लुक कितना अच्छा लग रहा था, मुझे तो ये भी बहुत पसंद आया, ठीक है। तो इसे भी मैं रेट करती हूँ 10 out of 10, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड गाइस। जल्दी जल्दी बाय कर लेना, मुझे आउट ऑफ स्टॉक के मैसेजेस मत करना, क्योंकि ऑफकोर्स गाइस इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं तो बहुत जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट है ये गाइस, ये अगेन मैंने थोड़ा सा ऐसा ऑर्डर किया था जो आप अभी नवरात्रि में भी कैरी कर पाओ एंड बाद में अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आप उसमें भी कंसिडर कर सकते हो। तो इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है गाइस, इतने अच्छे ब्लाउज है मीशो पे। स्टिचिंग इतना महंगा हो गया है गाइस, आजकल ब्लाउज का स्टिच करवाने जाओ तो 1000 रूपए, आप थोड़ा सा भी डिजाइन दे दो तो 1000 रूपए आपके ऐसे लग जाते हैं, एंड इतने अच्छे आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, बस थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन आप करवा लेना। तो ये भी देखिए गाइस कितना प्यारा है, ब्रोकेट प्रिंट का है ये, ठीक है। आप देखिए इसकी भी पैडिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे इसका नेक अच्छा लगा, पीछे से आपको ऐसा नॉट दिया हुआ है, बटन है, सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा बहुत जो अल्ट्रेशन होगा अपने हिसाब से करवा लेना, एंड स्लीव्स की लेंथ भी काफी डिसेंट है गाइस। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप नवरात्रि में भी बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो, एंड नवरात्रि के बाद भी आप जब इसे हैवी साड़ी के साथ पहनोगे ना गाइस तो ये कमाल का लगने वाला है। तो देखिए ये भी वेयर करने के बाद बहुत ज्यादा प्यारा लगा था, आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो, मुझे तो ये भी कमाल का लगा गाइस। इसे भी मैं रेट करती हूँ 10 out of 10, क्योंकि जेन्युइनली प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, मजा आ गया इनको वेयर करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट है ये गाइस, अगेन ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, नवरात्रि लुक दे रहा था प्रॉपर। देखिए इसमें आपको ये पैच दिया हुआ है, मिरर्स लगे हुए हैं, नीचे पूरी ऐसे कौड़ी लगी हुई है, ठीक है। बैग भी इसका काफी डिसेंट है, एंड इसमें ना गाइस अंदर स्लीव्स भी अटैच्ड है, देखिए। तो आप आराम से इसे, अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो स्लीवलेस में तो आप इसको स्लीव्स भी रख सकते हो। इसके पैड्स मुझे थोड़े से उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन ओवरऑल पीस बहुत अच्छा है, तो आप चाहो तो पैडिंग रिमूव कर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मतलब आप इसमें अपना खुद का अंदर इनर वेयर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ना ही ये बैकलेस है एंड ना ही इसका नेक कुछ डीप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको पैड्स रिमूव कर दो एंड आराम से इसको वेयर कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, तो अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर करना। मुझे तो ब्लैक बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ब्लैक ही किया। तो इसे भी मैं रेट करती हूँ गाइस 9 out of 10। तो ये भी मेरे साइड से रिकमेंडेड है, आप कुछ अगर ऐसा पैच में जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। वीडियो में आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट है ये गाइस, ठीक है, ये वाला भी सेम कंसेप्ट में है, आप इसे भी बार बार वेयर कर सकते हो। तो ये व्हाइट कलर का है गाइस, व्हाइट कलर ना मेरे फोन में इतना अच्छा शूट नहीं होता है, बट बहुत ही अच्छा आइटम है ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसको एकदम जैकेट का लुक दिया हुआ है, पहले मैं इसके पैड्स चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे इसके फ्रंट में बटन्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको बटन्स को डालने के लिए यहाँ पे वो सारे सॉकेट्स भी दिए हुए है। तो यस ये ओवरऑल ये भी बहुत प्यारा है गाइस, साड़ी के साथ लहंगे के साथ बार बार इसे बहुत अलग तरीके से रिस्टाइल कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी मेरे साइड से रिकमेंडेड है, ऐसे नॉर्मल पीस ना आपको अपने पास रखने चाहिए, बहुत बार आप इसको अच्छे से स्टाइलिंग कर सकते हो। तो मेरी तरफ से ये भी आपको हाईली रिकमेंडेड है, इसे मैं रेट करूंगी 9 out of 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट है ये गाइस, इसके लिए भी ना मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ना ये काइंड ऑफ रैप ऑन जो टॉप रहता है ना उस टाइप का कंसेप्ट है इसका, आपको बस रैप करना है एंड यू आर डन, ठीक है। तो इसमें ना मुझे पहले दिन उन्होंने ये बो भी दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, प्रिंट बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ एडिशनल आ जाता है ना तो बहुत मजा आता है, ठीक है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ वेयर कर लेती हूँ, एंड दिस इज द ब्लाउज, ब्लाउज कह लो टॉप कह लो गाइस, प्रिंट देखिए कितनी ज्यादा प्यारी है। सो इसका कंसेप्ट भी ऐसा ही होता है गाइस, आपको ना इसे यहाँ पे ऐसे वेयर करके आपको नॉट बांधना है, ठीक है, अच्छे से बांधना है, एंड देन यहाँ पे आपको प्रॉपरली अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से नॉट बांधना है। आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हो, एंड अगर आप कंफर्टेबल हो ना गाइस तो आप इसे विदाउट इनर वेयर आप ऐसे भी वेयर कर सकते हो, अगर आप बैकलेस में कंफर्टेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको अंदर प्रॉपरली वो स्टिक ऑन जो ब्रा होता है वो वेयर करना पड़ेगा। एंड अगर आप वैसे अनकंफर्टेबल हो तो आप इस तरीके से टैंक टॉप्स होते हो ना, आप उसके ऊपर भी इसे वेयर कर सकते हो अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो तो। सो देखिए, अगर मैं इसके ऊपर भी इसे वेयर करूँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा, ट्रेडिशनल लुक दे रहा है, ठीक है। एंड अगर आप बैकलेस में कंफर्टेबल हो तो ऐसे ही वेयर करना। बहुत ही प्यारा लगा मुझे इसका कंसेप्ट, बहुत अच्छा लगा गाइस, काफी यूनिक ब्लाउज का लुक दे रहा था, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी में डिलीवर हुआ है, प्रिंट बहुत अच्छा है, प्रिंट में ऐसा ना सिल्वर कलर की थोड़ी सी लाइंस दी हुई है जिसकी वजह से बहुत अच्छा शाइन दे रहा था, जो फॉइल लाइंस होती है ना उसका कंसेप्ट है ये। मुझे जेन्युइनली कलर, प्रिंट सब कुछ बहुत अच्छा लगा, वेयर करने के बाद भी बहुत ज्यादा क्लासी लुक लगा मुझे इसका। मैंने आपको इसे ऐसे भी वेयर करके दिखाया है और मैंने आपको इसे टैंक टॉप के साथ भी वेयर करके दिखाया है, मुझे दोनों ही चीज में ये बहुत अच्छा लगा। सो इसे भी मैं रेट करती हूँ 20/10, मुझे ये बहुत पसंद आया। एंड ये वो भी देखिएगा, इस वो भी बहुत अच्छा, आप दोनों को एक साथ स्टाइल कर सकते हो, लुक बहुत अच्छा लगेगा। सो मेरे साइड से भी आपको हाईली रिकमेंडेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सो हमारे ब्लाउज खत्म हो चुके हैं गाइस, सारे ही बहुत अच्छे थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं नवरात्रि के दुपट्टे, ठीक है। मैंने सारा कंसेप्ट लिया है, पाकिस्तानी लिया है, बांधनी लिया है। सो आजकल तो सब लोग बहुत ही अच्छे से अपने हिसाब से स्टाइल करते हैं, सो आपको जो पसंद आया आप ले सकते हो, ठीक है। पहले आर्टिकल इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें ना मैंने दो कलर ऑर्डर किए थे गाइज, एक ब्लैक और एक व्हाइट, आपको दोनों ही दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले ये ब्लैक देखते हैं गाइज, अगेन माय फेवरेट। देखिए वर्क कितना प्यारा किया हुआ है इसका, मुझे छोटी छोटी डिटेलिंग्स जो ऐसे बॉक्स में की हुई है ना बहुत अच्छी लग रही है, कलर्स भी काफी अच्छे है एंड पूरे बॉर्डर में आपको ऐसे टैसल्स दिए हुए। तो ये भी गाइज ऐसे ओवरऑल इसको लुक के साथ जब कैरी कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब बाद में इसको हैवी सूट के साथ भी कैरी कर सकते हो, अगर आपका सूट प्लेन है तो पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा आपके सिंपल सूट का। तो यस, ये भी बहुत प्यारा है दुपट्टा। एंड देन सेकंड कलर था ये व्हाइट वाला, व्हाइट भी मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज। ओके, कुछ कॉन्ट्रास्ट में वेयर करना चाहते हो तो ये भी कलर काफी अच्छा डिलीवर हुआ है, इसमें भी जो कलर्स यूज किए हैं वो बहुत अच्छे है, ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइज, देखिए। एंड बहुत प्यारा है गाइज, लेंथ अच्छी है, विड्थ अच्छी है, ओवरऑल स्टाइल करने के बाद भी अच्छा लग रहा है, और क्या चाहिए गाइज, इतने सुंदर सुंदर दुपट्टे मिल रहे हैं मीशो पे, वो भी इतने अफोर्डेबल रेंज में ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो ये भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, ये बाद में भी आप इसे बहुत अच्छे से रीयूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दुपट्टा। नेक्स्ट दुपट्टा ये है गाइज, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लेरिया बांधनी के पैटर्न बहुत अच्छे लगते हैं गाइज, लुक ही पूरा चेंज कर देते हैं। देखिए इसका कलर कितना ज्यादा प्यारा है, इस पे जो ये वर्क किया हुआ है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ओवरऑल ये बहुत क्लासी लग रहा था। इसमें भी बहुत सारे कलर्स है लेकिन मुझे रेड बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि मोस्टली हम ब्लैक लहंगा पहनते हैं ना तो रेड कलर सब पे जाता है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है गाइज, ये ओवरऑल वेयर करने के बाद भी काफी अच्छा था, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, मैंने इसको स्टाइल करके दिखाया था एंड काफी रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है मीशो पे दुपट्टे, बिल्कुल मत छोड़ना। इसमें आपको जो कलर चाहिए आप ले सकते हो, ये भी मेरे साइड से हाईली रिकमेंडेड है, इसे भी मैं रेट करूंगी 10/10, बहुत अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट है ये गाइज, ये सारे पाकिस्तानी दुपट्टे ऑर्डर किए थे मैंने, तो सब सिमिलर, मतलब सब सिमिलर ही है, सिर्फ प्रिंट्स अलग अलग है सबके, तो आपको दिखा देती हूँ मैं। तो सबसे पहला प्रिंट ये है गाइज, देखिए बहुत प्यारा है, पर्पल कलर का बेस है, ठीक है। अगेन ये सारे नवरात्रि में वेयर करने पे बहुत अच्छे लगते हैं, सबके मिरर का काम है, मोती का काम है, देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इतने सारे कलर्स एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं, आप पास से इसका काम देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रिंट्स बहुत अच्छी है, देखिए तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा वेयर करने के बाद, सब इतने अच्छे लग रहे थे ना। सेकंड कलर है ये गाइस, ठीक है, इसकी मोती थोड़ी थोड़ी गिरते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे मोती लगे हुए हैं, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, मिरर्स अच्छे से स्टिक किए हुए हैं, देखिए इसका भी प्रिंट कितना अच्छा है, कलर्स इतने अच्छे है गाइज, मतलब क्या कमी है यार इन दुपट्टों में, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए ये वेयर करने के बाद आपको पूरा लुक ही चेंज कर देंगे। अगर आप कुछ सिंपल सा पहन रहे हो ना, टैंक टॉप पहन रहे हो, नीचे जीन्स पहन रहे हो, या फिर आप नीचे ब्लैक कलर का प्लेन घाघरा पहन रहे हो, उस पर आप ये दुपट्टे ले लोगे ना तो आपको हैवी ब्लाउज की भी नीड नहीं पड़ेगी, आप इसको आराम से अच्छे से कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट ये गाइस, इसका भी देखो लुक एंड फील कितना अच्छा है, इसके भी कलर्स बहुत ज्यादा प्यारे है, प्रिंट बहुत अच्छा है, देखिए इस पे भी आपको मोती सिक्वेंस का, मोती का काम मिल जाएगा, मिरर का काम मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आप बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हो, एंड सबसे अच्छी बात है गाइस, इनकी लेंथ और विड्थ में कुछ कंजूसी नहीं की है, इतना बड़ा दुपट्टा है, मतलब आप
मम्मी दीदी सब लोग आप ये दुपट्टा यूज कर सकते हो, बहुत प्यारा है गाइस, मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये दुपट्टे भी, कंसेप्ट बहुत अच्छा है एंड कुछ डिफरेंट भी वेयर कर सकते हो। अगर रोज बांधनी नहीं वेयर करना चाहते तो कभी कभी ये दुपट्टे भी ले सकते हो। एक ही लेना, सब पे चलने वाला है क्योंकि सब में मल्टीपल कलर्स है, तो ज्यादा मत ले लेना, ठीक है। सो इसमें से जो प्रिंट अच्छी लगी वही आप यूज करना है, क्योंकि ओवरऑल सब लोग सेम ही लगेंगे। मैंने सब आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स दिखाई है, अदरवाइज आपका काम एक ही दुपट्टे में हो जाएगा क्योंकि कितने सारे कलर्स है, मैच हो जाएगा, टेंशन मत लेना। सो ये थे मेरे आज के रिकमेंडेशंस गाइस, आप बताना कैसे लगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लेना, अब ज्यादा आलसपना मत करना क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। या बस गाइस प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी इन सारे प्रोडक्ट्स की, एंड मैं कमेंट में भी डाल दूंगी और मैं खुद का कमेंट को पिन कर दूंगी ताकि आपको सबसे पहला कमेंट वही दिखेगा। एक ही लिंक है गाइस, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, आपको मीशो के सारे प्रोडक्ट्स वहां दिख जाएंगे जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया है। आराम से शॉपिंग करना, इतना आराम से मत करना कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी करना, बहुत टाइम नहीं बचा है, लेकिन हाँ देख के सारे अच्छे से आपको जो पसंद है वो ऑर्डर करना। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड भूलना नहीं है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, थैंक यू।